हेलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद अवर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एनोमर्स से। जैसे हमने पहले देखा कि अपना एपिमर्स क्या होते हैं, वैसे हम देखते हैं एनोमर क्या होता है। ठीक है, एनोमर कुछ नहीं होता, ये एक एपिमर का टाइप है। एपिमर में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। वही अगर आप एपिमर में देखें तो एपिमर में तो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, तो एनोमर में क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लोज होगा, साइक्लिक होगा। तो पहली चीज होती है कि एनोमर्स किसके लिए डिफाइन करते हैं, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें क्या है, मल्टीपल कायरल कार्बन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वैसे यहाँ पे सेम कायरल सेंटर है, सारे मोलिकुलर फॉर्मूलाज एकदम सेम है। ये चार कायरल सेंटर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इनकी कायरलिटी क्या है, सेम है। बस ये जो एक कायरल सेंटर है यहीं पे क्या है, इसकी कायरलिटी क्या है, डिफरेंट है। तो बाय डेफिनेशन इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपिमर बोल सकते हैं, कि सिर्फ एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सारे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। बट ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये साइक्लिक ईथर टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप का आइसोमर, जिसको हम बोलते हैं एनोमर। ठीक है, तो अब जहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, देखो सिर्फ यही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, जो स्टार क्या हुआ मैंने, तो जो ऐसे स्टार वाले कार्बन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन। अब देखो जो एपिमर होते हैं और या फिर एनोमर बोल लो, ये सब किसके सब टाइप है, ये सब डाइस्टीरियोमर के सब टाइप है। ठीक है, तो आप इनको डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हो, आप इनको एपिमर भी बोल सकते हो, पर एपिमर में एक स्पेशल टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मल्टीपल कार्बन होना चाहिए, और मल्टीपल कार्बन में अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो और बाकी पे सारे पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो बेटा, सेम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे का तो कंपाउंड, ये इस कंपाउंड का क्या होगा, एनोमर होगा। ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पे बना के रखा है, ये जो हमारे जो ग्लूकोज होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है बेटा, उसका क्या हमने बना रखा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है सर, पर ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, ये सब हमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने पहले एनोमर्स देख लिया, अब देख लेते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट में आप ये दो चीज देखिए बेटा, ये देखो ये क्या है, साइक्लिक रिंग है, ऊपर से छह मेंबर वाली रिंग है, तो इसको हम एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये इक्विटोरियल पोजिशन पे है, यहाँ पे ही एक्सियल पोजिशन पे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस और इस वाले कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगर आप मुझे बहुत मतलब बहुत इजीली बता सकते हो, क्यों, बिकॉज आप देखिए कि ये हाइड्रोजन है इस लोन पेयर के पास में, है ना। अगर ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर के पास में है तो क्या होने वाला बेटा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये एच पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। अब डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव इस लोन पेयर के साथ क्या कर सकता है, अट्रैक्शन शो कर सकता है। अब उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग बोल देंगे, बिकॉज इस काइंड ऑफ एक हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में अटक चुका है ना बेटा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एच बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, वेर इज आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या OH आ गया एक्सियल पोजीशन पे, तो ये लोन पेयर से ये हाइड्रोजन क्या आ चुका है, दूर आ चुका है। दूर आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए भाई साहब जो हमारे ये वाला फॉर्म है इसी स्टेबिलिटी इससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपली यही इसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमर्स के अंदर एनोमेरिक इफेक्ट हमको देखने मिलता है। अब आप देखिए, अब आप हमेशा ऐसे रट्टा मत मान लेना कि भाई साहब जो हमारा इक्विटोरियल वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्सियल वाला, आपको हर केस को ऑब्जर्व करना है। अब हम क्या करते हैं कि इस एच को रिप्लेस करके यहाँ पे लगा देते हैं CH, एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, सी एच को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो एच था तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही थी, बट यहाँ पे तो एच है ही नहीं, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। अब बेटा अगर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं बचा, तो मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखो दो लोन पेयर होंगे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन की वजह से ये लोन पेयर इस लोन पेयर के क्या आ जाएगा, पास में आ जाएगा, और पास में आने की वजह से क्या होगा, उसमें इंट्रामोलिकुलर रिपल्शन होगा। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा।
बट भाई साहब इसके अंदर क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिकुलर रिपल्शन हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन जिसका लोन पेयर इसके लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा, वेयर एज यहाँ पे और यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि हमारा जो एक्सियल वाला है वो इक्विटोरियल से क्या है ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब ये वाला तो मैंने गलती से बना दिया था, अब इस पे फोकस करो कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब क्या करें, हम ये दोनों सेम मॉलिक्यूल बनाओ बट इस ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे क्या रख दो, कार्बन रख दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी हाइड्रो एटम नहीं है, सारे कार्बन है। अब बेटा अगर सारे कार्बन है तो यहाँ पे तो कोई रिपल्शन वाला सीन क्रिएट होने ही नहीं वाला। और आपको पता है जब रिपल्शन और इस तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा तो हमको पता है कि जब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है जब वो इक्विटोरियल पोजिशन पे होता है तो उसकी स्टेबिलिटी एक्सियल वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू लेस रिपल्शन। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें इक्विटोरियल वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्सियल वाले की स्टेबिलिटी। तो देखो बेटा, ये और ये दोनों के अंदर हमको क्या दिख रहा है, एक तरीके का इफेक्ट दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट। मतलब स्पेशली मतलब एक उसका कॉन्फॉर्मर या आइसोमर उसके दूसरे आइसोमर से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है, ये भी एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। कब, जब यहाँ पे बाकी जो ग्रुप लगे रहेंगे उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेम और सिर्फ ये वाले कार्बन कायरल एटम पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब एक चीज हमको पहले पढ़नी है कि यार ये जो हम लोग को साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखना है ग्लूकोज का, तो उससे पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि हेमी एसिटाल्स क्या होते हैं। हेमी एसिटाल, हेमी कीटाल, एसिटाल, कीटाल, ये सब क्या होता है, ये सब पता चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हेमी एसिटाल से। हेमी एसिटाल कुछ नहीं होता, एक कंपाउंड है। वो जब बनता है कब बनता है, जब आप एक अल्डिहाइड को, एक अल्डिहाइड को रिएक्ट करवाओ एक अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेता हूँ, बहुत सिंपल मैकेनिज्म। पहले तो देखो बेटा ये एसिडिक मीडियम डालने का मतलब क्या रहा होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर हम डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या होगा, पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कर दो तो भाई साहब ये ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देगा किसको, एच प्लस को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो ये इस तरीके से एक ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच। और आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। वो डेल्टा पॉजिटिव क्यों होता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से एसोसिएट है, जिसकी वजह से वो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब आप देखो बेटा ये डेल्टा पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे इस एच प्लस को दे दिए तो इसके भाई साहब के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा कि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन अपने ये लोन पे जो दे दिए तो उसको रीगेन करना चाहेगा, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अब डेल्टा पॉजिटिव बहुत बढ़ जाएगा इस पे तो क्या होगा, इसी चीज का फायदा उठा के हमारा अल्कोहल आ जाएगा। अल्कोहल बोलेगा ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ, अल्कोहल आया और अल्कोहल के पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पे, तो ऑक्सीजन आके क्या करेगा, इस पे अटैक मार देगा। अटैक मार दिया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये भाई साहब जो पाई बॉन्ड थे कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो ब्रेक होकर इसके पास चले ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है। तो कंपाउंड कैसा बनेगा हमारा, आर सी ओ एच एच और यहाँ पे ओ आर और यहाँ पे एच। अब ये इस ऑक्सीजन पे इसने अटैक किया था, देखो ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड पहले से बना रखे, तब तीन बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को टाने के लिए क्या कर देगा, अपने मन से H प्लस निकाल देगा। अब अपने मन से H प्लस निकाल देगा मतलब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे H प्लस का काम क्या है, बस ये कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कैटेलिस्ट फर्स्ट स्टेप में अगर अंदर जाता तो लास्ट स्टेप में बाहर भी आता। देखो एक H प्लस गया लास्ट स्टेप में, एच प्लस बाहर भी निकल गया, तो जो फाइनल कंपाउंड बना हमारे पास क्या बना, आर सी ओ एच, यहाँ आर वन लिख देते हैं हम इसको, आर वन आर वन और यहाँ पे क्या बेटा, हाँ सॉरी ओ आर और यहाँ पे एच। ठीक है, अब
इसी जो कंपाउंड ये जो बना है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्योंकि देखो अभी तो क्या आधा बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये और फर्दर रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और कम्प्लीटली एसिटाइल फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग वो पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज वो अल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल के इतना बहुत है। तो ये जो कंपाउंड बना, जहाँ पे एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप हो, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एक ओआर ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, ठीक है। अगर सेम अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्डिहाइड से ना करवा के इसकी रिएक्शन में करवाता कीटोन से, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको मैं क्या बोल देता, हेमी कीटल, ठीक है बेटा। अब हेमी कीटल और एसिटल में क्या डिफरेंस होगा कि हेमी एसिटल में तो यहाँ पे एच होगा, पर हेमी कीटल में यहाँ पे क्या होगा बेटा, आर होगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको याद रखना है हेमी एसिटल ये रिएक्शन होती है। अब एक बात समझना कि क्या लिखा हुआ है कि दे कैन शो टोलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब ये दो टेस्ट है ना, ये अल्डिहाइड कीटोन में ही पढ़ेंगे, बट अभी आपको मैं बहुत सिंपल तरीके में बता दूं कि ये दोनों टेस्ट हम लोग मेनली क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है हमारी, है ना। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, अब आगे पढ़ने वाले आगे पेजेस में, तो अभी फिलहाल के लिए याद रख लो कि जो डी ग्लूकोज होता है ये दोनों टेस्ट देता है, ठीक है। अब ये दोनों टेस्ट क्यों देता है, ये जो दोनों टेस्ट है ना, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है किसका, अल्डिहाइड का, मतलब कि हमारे कंपाउंड में अल्डिहाइडिक ग्रुप है कि नहीं है, वो हम कैसे पता करते हैं, ये टोलिंग्स एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया था लुकास रिएजेंट वाला, उसमें क्या होता था कि जो अल्कोहल की डिग्री है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते थे, जिसके वजह से कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन मिलती थी, उसको हम लोग रीड करते थे, उसका हम इंटरप्रिटेशन निकालते थे, हमको पता चलता था कि वो अल्कोहल की डिग्री क्या है। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कोई कहीं भी अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उस अल्डिहाइडिक ग्रुप के डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टोलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों सेपरेट टेस्ट है, ये दोनों अगर कोई चीज टेस्ट देता है तो मतलब वहां पे क्या अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं डी ग्लूकोज की। अब डी ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर देखिए बेटा, यहाँ पे सी एच ओ एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच सी एच टू एच, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी ओ एच की पोजिशन चेंज मत कर देना, क्योंकि अगर आपने एक भी ओ एच इधर से उधर किया तो मतलब वो डी ग्लूकोज ना रह के कुछ और बन जाएगा। मतलब अगर आपने इस ओ एच को यहाँ से उठा के यहाँ पे भेज दिया, एच को उठा के यहाँ भेज दिया, बाकी सब सेम रह दिया, तो उसको आप डी ग्लूकोज नहीं बोलोगे, उसको आप फिर बोलोगे डी मैनोज। ये सारे स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो मेक श्योर कि आप वो सारे स्ट्रक्चर एक बार देख लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आजकल बस ये आपको स्ट्रक्चर नहीं देते, सीधा नाम लिख के देते हैं, ठीक है। अब ये डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, हम इसको डी क्यों बोला है, क्योंकि हमको जो लास्ट कायरल इसमें जो ओएच है वो कहां बेटा, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अगर आपको टोटल स्टीरियोआइसोमर पूछे तो इस कैसे निकालोगे, टू के पावर एन, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, वो आप आराम से काउंट कर सकते हो। अब एक बात समझना बेटा, अब इस कंपाउंड में देखो बेटा, यहाँ पे कैसे हेमी एसिटल बना था, कि अगर कंपाउंड में अगर एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है अल्कोहल है, दोनों रिएक्ट करने तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल। वैसे क्या होता है बेटा, डी ग्लूकोज में आप देखो इसके पास एक अल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो, साथ में इतने सारे अल्कोहलिक ग्रुप भी हो, तो क्या हो सकता है कि इसमें एक इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन हो जाए और ये क्या बना दे, हेमी एसिटल बना दे, बना सकता है ना। बस उसी चीज का फायदा उठाता है ये, कैसे, देखो एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, अब इनमें से कोई भी ओएच अटैक मार सकता है ना, पर सबसे जो अच्छा वाला अटैक होगा वो किसका होगा, ये वाले ओएच का, जो लास्ट वाला ओएच है इसका। क्यों बेटा, बिकॉज जब ये ऑक्सीजन अटैक मारेगा तो बेटा नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, साइक्लिक रिंग, 6 मेंबर की। हमको पता है 6 मेंबर की रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसने इस पर अटैक मारा। अब एक बात समझना बेटा, अब यहाँ देखो आप कि यहाँ पे ये क्या था, ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना। अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप पे हम अटैक मारते हैं किसी अल्कोहल का, तो क्या होता है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है सी ओ एच के अंदर। अब आप देखो बेटा, पहले तो ये एसपी टू कार्बन था, पहले तो ये देखो ये अल्डिहाइड का एसपी टू कार्बन था, तो मतलब ये तो कायरल सेंटर था ही नहीं, बट पूरी रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि ये जो कायरल सेंटर एक नया जनरेट हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ, तो ये आर भी बन सकता है, एस भी बन सकता है। वैसे ही क्या होता है बेटा, जब ये इस पर अटैक मारता है ना, तो अटैक मारने पे क्या होता है, जो नया रिंग बनती है, तो यहाँ पे जो वन नंबर वाला पोजीशन है, देखो ये वन नंबर वाली पोजीशन है, तो पहले तो ये क्या थी, ये कायरल सेंटर था ही नहीं, क्योंकि ये प्लेनर कार्बन था, sp2 कार्बन है,
बट जब ये अटैक हो रहा है तो ये sp2 से sp3 बन रहा है, और जब ये sp2 से sp3 बनेगा बेटा तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा। नया कायरल सेंटर जनरेट होगा इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड आर भी बन सकता है और एस भी बन सकता है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी कायरल सेंटर हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहां पे अटैक होता है बस उसी का कायरलिटी क्या होती है, चेंज होती है। बाकी सारे कायरल सेंटर जो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते उनकी कायरलिटी पे कोई इफेक्ट आता नहीं है, ठीक है बेटा। देखो इसने इस पर अटैक किया तो अटैक करने पे क्या होगा, अब इस तरीके की एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। अब देखो बेटा ये वन नंबर, ये रहा वन नंबर, अब इसी पर अटैक हो रहा है तो देखो बेटा क्या हो सकता है कि इस पर जब अटैक हो तो ये OH एक बार नीचे भी आ सकता है या फिर ऊपर भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कायरल सेंटर है ये नया जनरेट हो रहा है। बाकी आप ये HOH की पोजीशन देखो बेटा, ये OH इसके ट्रांस में, ये OH इसके ट्रांस में, फिर ये CH2OH उस OH के ट्रांस में, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये OH इस OH के ट्रांस में, ये OH इस OH के ट्रांस में, और ये CH2OH इस OH के ट्रांस में, ठीक है। तो ये सब तो सब रहता है सेम, देखो ये इसमें भी सेम है और ये इसमें भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि एक वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये OH इस OH के क्या हो, सेम साइड पे हो सकता है, या फिर ये OH इस OH के क्या हो, अपोजिट साइड पे हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज बेटा ये जो नंबर वन वाला जो कायरल सेंटर है ये रिएक्शन में नया जनरेट हो रहा है, ठीक है। और जो रिएक्शन में नया जनरेट होगा बेटा मतलब क्या, वो दोनों फॉर्म में जनरेट हो सकता है, या तो नीचे भी जनरेट हो सकता है या तो वो ऊपर भी, मतलब या तो R या तो S, इतना समझ में आ गया। अब अगर आपको ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सिंपली क्या याद रखना है, आपको बस ये साइक्लिक स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, पहले एक ऑक्सीजन बनाओ ऐसे 6 मेंबर की रिंग बना दो, फिर यहाँ पे HOH CH2OH। अब इसको भूल जाओ, बाकी जगह पे क्या करो, OH को एक दूसरे के ट्रांस पे रख दो और CH2OH को भी एक दूसरे के ट्रांस पे रख दो, ये पूरा रहता है सेम, ठीक है। अभी सेम है तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाने हमको, तो क्या करो, एक स्ट्रक्चर में एच को ऊपर रखो, ओ एच को नीचे, मतलब दोनों सेम साइड पे, एक में क्या रखोगे एच ओ एच को उल्टी तरफ रख दो ताकि ये ओ एच ओ एच क्या दूसरे के ट्रांस में आ जाए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अगर ये OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ आया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका अल्फा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो अगर एनोमेरिक कार्बन है बेटा, अब देखो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का क्या है, एनोमेरिक, क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये सारे कॉन्फिगरेशन क्या है, सेम है, ये सारे कॉन्फिगरेशन क्या है, सेम है। जो नंबर वन वाला जो कार्बन है, जो एनोमेरिक कार्बन है, वहां पे कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये अल्फा फॉर्म ये बीटा फॉर्म का क्या है, एनोमर है, ठीक है। अब अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म का एनोमर है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका सेम है। तो बहुत सिंपल है पहचानना, अल्फा फॉर्म कैसे पहचानोगे, अगर नंबर वन पे अगर OH नीचे की तरफ है, डाउन साइड पे है, तो उसको बोलोगे अल्फा फॉर्म, अगर ये ऊपर की तरफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म, ठीक है बेटा। अब ये अल्फा डी तो हमको पता है, ये डी क्यों बोला हमने, क्योंकि ये डी ग्लूकोज से बना है, तो अल्फा डी बीटा डी, ये तो ठीक है सर। ग्लूको, हाँ सर ग्लूकोज से बना है तो ग्लूको वर्ड आ सकता है, हाँ सर ग्लूको वर्ड यहाँ पे भी आ सकता है, बट सर ये पायरेनोस कहाँ से आ गया, है ना बेटा, ये पायरेनोस कहाँ से आ गया, उसके लिए हम लोग एक बार पलट के देखते हैं। सुनो देखो, ये जो रिंग होती है ना, 6 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन और 1 हेटेरोटम ऑक्सीजन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यार से पायरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी देखो कितने 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है और 6 मेंबर की रिंग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पायरेन रिंग से रिजेंबल कर रहा स्ट्रक्चर, इसलिए इसका एक और नाम रब बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस, पायरेनोस क्योंकि पायरेन से बना हुआ है, ठीक है, पायरेन जैसे रिजेंबल कर रहा है इसलिए, और ग्लूको क्यों, क्योंकि और डी ग्लूको क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज से बना, अल्फा क्यों, बिकॉज ये OH ग्रुप नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये सारा नाम समझ में आ गया, अल्फा क्यों, क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन है इसमें OH का है नीचे, तो अल्फा, डी क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लूको बिकॉज ग्लूकोज से बना हुआ है, पायरेनोस क्योंकि ये पायरेन रिंग से रिजेंबल करता है, ठीक है बेटा। अब वैसे इसका नाम क्या बोलोगे, बीटा डी ग्लूको पायरेनोस, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस क्या होता है। अब देखो, अब एक बात समझना है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है,
बस फर्क क्या होता है कि जब आप इस ग्लूकोज को जब पानी में डालते हो, तो पानी में डालने में क्या होता है, वो अपने साइक्लिक रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछूँ आपसे इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन, ओपन स्ट्रक्चर में और क्लोज स्ट्रक्चर में, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब उस पाई बॉन्ड के जगह पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। तो इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? हाँ, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर साइक्लिक वाला है। तो हमेशा याद रखना है, जो ग्लूकोज होता है वो 99.8% वो अपने साइक्लिक फॉर्म में रहना प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू ओपन चेन। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ऐसा है जो पाए है, तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अब ना वाई पायरेनोज हम समझ चुके हैं, क्योंकि पायरेन रिंग से रिजेंबल करता है, इसलिए पायरेन। अब देखो, बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज एनोमर ऑफ फीचर थे, ये भी हमने देख लिया। देखो बेटा, एनोमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये जो नंबर वन वाला कार्बन है, ये जो नंबर वन वाला कार्बन है, यहीं पे अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है, बाकी सब जगह पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। और ये रिंग कैसी है, साइक्लिक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, और इस दोनों को एक दूसरे को क्या बोलेंगे, एनोमर बोल देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब ये मेरे ये वाला पॉइंट बता दिया आपको कि इन एक्वस मीडियम साइक्लिक स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, 99.8% रहता है, एंड ओपन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन 0.2%, बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल देन ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज ओपन चेन में पाई बॉन्ड है, साइक्लिक में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इन एक्वस मीडियम। हम बात समझो, मतलब बोलना क्या चाहता है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई साहब ये भी 50% बने, ये भी 50% बने। अब आप सोच तो रहोगे सर कि अब नया कायरल सेंटर बनना है तो दोनों 50-50% ही बनने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं ना बेटा। क्यों? बिकॉज इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मोर स्टेबल होता है वो क्या होता है ना, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों में हम स्टेबिलिटी पहले कंपेयर करते हैं, बट बात समझो बेटा, इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो OH ग्रुप है देख सकते हो आप, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिज में है। तो ये सिज में तो हम क्या करेंगे, एक्सियल इक्विटोरियल रखेंगे। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि देखो 1-2 पोजीशन पे एक्सियल इक्विटोरियल, तो आप किस तरीके से सिज एंड ट्रांसफाइंड करते हो, है ना। देखो अब इन दोनों को कन्वर्ट किया तो अल्फा फॉर्म या आ गया, बीटा फॉर्म या आ गया। अल्फा फॉर्म मतलब जब वो एक्सियल पोजीशन पे हो, नीचे की तरफ हो तब अल्फा, ऊपर की तरफ हो तो बीटा। देखो ऊपर की तरफ है OH, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब इक्विटोरियल पे बीटा फॉर्म है, ये कौन सा हमारा, अल्फा फॉर्म। और आप खुद देखो बेटा, इस बीटा फॉर्म के अंदर सारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कहाँ पे हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं, पर यहाँ पे सारे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे हैं, इक्विटोरियल पे, बट एक को छोड़ के, जो नंबर वन वाला जो एनोमेरिक कार्बन है हमारा, ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसको छोड़ के बाकी सब कहाँ है, इक्विटोरियल पे। तो भाई साहब ये एक्सियल पे है, यहाँ पे इक्विटोरियल पे है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमने एनोमेरिक इफेक्ट में पढ़ रखा है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ये एच से बॉन्डिंग करता है, ऊपर से OH कहाँ प्रेजेंट है बेटा, हाँ इक्विटोरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर अल्फा और बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या बताओगे, हाँ वेरी गुड, आपको बताना है कि बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखाता है कि बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म, बिकॉज इन बीटा ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता होना चाहिए। अब एक काम करते हैं,